हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमबीपीएससी, एसएससी, व्यापम, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट मेरा करंट अफेयर कोर्स मई 2019 डेली करंट अफेयर, जिसके अंदर हम रोज करंट अफेयर के लेक्चर जो हैं वो एग्जैक्टली रोज 9 बजे रात को मैं लेके आता हूँ। और सबसे पहले मेरा करंट अफेयर आता है और वो भी उसी दिन का करंट अफेयर आता है। जनरली दूसरे जो काफी सारी चैनल्स हैं जो पुराना करंट अफेयर, पिछले दिन का करंट अफेयर जो है आज की डेट के नाम से डालती है, बट इट्स अ लेटेस्ट करंट अफेयर। और उसी के साथ में अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पर अगर फॉलो नहीं किया है तो जब आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरी वेबसाइट yoursivilsarthi.com से, तो वहां पर जो है आप अलग अलग जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये लिंक्स जो है वो एक्टिवेट रहेंगी। इन लिंक्स के ऊपर आप क्लिक करके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी मेरे दूसरे सोशल मीडिया पर जाके लॉग इन कर सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। तो 9 मई 2019 का करंट अफेयर हम बात करेंगे। उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई लेक्चर अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो पहली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो विश्व का जाना माना चार धाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड के अंदर अक्षय तृतीया जो है, अक्षय तृतीया से यहाँ पर उसकी शुरुआत हो गई है। और ये जो चार धाम की यात्रा है वो हिंदू धर्म के अंदर काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर हम बेसिकली देखें तो पूरे देश के अंदर जो है वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों तरफ जो है वो चार धाम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है वो चार इंपॉर्टेंट चार धाम माने जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और आपका बद्रीनाथ। तो ये चार इवेंट हैं जिनको हिंदू धर्म के अंदर काफी ज्यादा मान्यता इसको यहाँ पे दी जाती है। तो इसकी जो यात्रा है वो शुरू होती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से यात्रा यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा की जाती है, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ और देन आखिरी के अंदर जो है यहाँ पे यात्रा की जाती है बद्रीनाथ की। तो ये चार जो है वो लगातार इनकी एक के बाद यात्राएं जो है यात्रा यहाँ पे की जाती है। तो ये ट्रेडिशन है ईस्ट टू जो वेस्ट टू ईस्ट है यहाँ पर उसको यात्रा करने का। ओके, इसलिए इसको चार धाम कहा जाता है। अभी जैसा बताया यमुनोत्री से स्टार्ट होगा, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ एंड देन लास्ट में बद्रीनाथ। बात थोड़ा करें कि यमुनोत्री की अगर हम बात करें, यमुनोत्री जो है वो गंगा, जो यमुना रिवर है उसका वहां से निकली है और उसको जो है गॉडेस यमुना या जो यमुना माँ है उनको वहां पे पूजा जाता है। और बेसिकली इट्स जो बंदर पीक जो है, बंदर पूछ पीक है, उसके लेफ्ट के अंदर यहाँ पे यमुनोत्री लोकेटेड है। दूसरा यहाँ पर है गंगोत्री, गंगोत्री डेडिकेटेड टू गॉडेस गंगा, और ये जो है यहाँ पे जो भागीरथी रिवर जो है इसके यहाँ से निकलती है। तो मेन जो सोर्स है गंगोत्री, गंगा रिवर का सोर्स माना जाता है। तीसरा है यहाँ पे केदारनाथ, ये भगवान शिव का यहाँ पे केदारनाथ का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पंच केदार जो है उसका यहाँ पे पार्ट है। तो पांच जो केदारनाथ के मंदिर हैं उनमें से पंच केदार के अंदर से यहाँ पर एक, यहाँ पर जो है एक बहुत जाना माना शिवलिंग है जो रिवर मंदाकिनी जो है वहां से इसका सोर्स यहाँ पे है। और अभी ये जो ज्योतिर्लिंग है ये सबसे सदन ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर अभी 2013 के अंदर जब बाढ़ आई तो पूरी तरीके से ज्योतिर्लिंग जो है वो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर ने उन्होंने अपने खुद के पर्सनल एफर्ट्स लगाए और उसके बाद जो है उसका पूरी तरीके से केदारनाथ जो है उसको फिर से उन्होंने रीडिजाइन यहाँ पे करवाया, पूरा उसको यहाँ पे पुनः तैयार करवाया है। ओके, लास्ट यहाँ पे बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और जो रिवर अलकनंदा है वो यहीं से निकली है, मतलब जो जो मेन दो स्ट्रीम है गंगा की, भागीरथी और आपका अलकनंदा, इन दोनों से फिर आगे जाके आपका जो रिवर है वो रिवर आगे जाके बनती है। तो अलकनंदा जो रिवर है वो यहाँ से निकली है। ओके, ये बात हुई आपके चार धामों की। अगली खबर की बात करें तो फिफ्थ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है वो अभी ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है 6 मई से 12 मई तक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये जो है वो फिफ्थ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। इस बार का जो थीम है लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए लीडरशिप या फिर नेतृत्व जो है सरकारी नेतृत्व की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 2011 से लेकर 2020 तक जो है वो डेकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक डेकेड या फिर एक जो दशक है वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया जाया है। ठीक है, तभी यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आई जिसके अंदर बताया गया कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो रोड एक्सीडेंट के कारण होती है। अपॉन
अबाउट 1.9 मिलियन जो पीपल है वो एनुअली यहाँ पर उनकी डेथ होती है, और इस नंबर को धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो WHO ने उसको लेके एक ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी को लेके ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर उन्होंने जारी की है। उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी ये वीक मना रहे, तो उन्होंने रिपोर्ट भी अपना यहाँ पे जारी किया। उनका बोलना है कि वर्ल्ड के अंदर जो 5 साल से 29 साल की 5 to 29 ईयर का जो एज है, इस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो रोड एक्सीडेंट्स के कारण यहाँ पे डेथ होती है। उनका बोलना है कि 1.35 मिलियन पीपल्स आर लॉस्ट देयर लाइफ इन रोड एक्सीडेंट हर साल, और 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग जो हैं इसके कारण इंजर्ड हो जाते हैं, इसके कारण जो है उनको घायल हो जाते हैं, और 1.35 मिलियन मतलब तकरीबन 13,50,000 लोगों की डेथ हर साल से हो जाती है। इंडिया की बात करें तो 2008 के अंदर जो है इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रोड क्रैश एक्सीडेंट जो है उसका भारत के अंदर यहाँ पे होते थे, लेकिन 2015 के अंदर भारत ने एक ग्लोबल जो एक डिक्लेरेशन था उसके ऊपर साइन किया, इट्स कॉल्ड द ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, जिसके अंदर भारत ने यहाँ पे बोला कि 2020 तक भारत के अंदर जितनी भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम 50% तक यहाँ पर हम इसको कम कर लेंगे। लेकिन 2015 का यहाँ पर जो डेटा आया वो इतना ज्यादा उसके अंदर लगा नहीं कि 2020 का जो उन्होंने सिग्नेटरी की थी 2015 में वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो 2020 का हमने वादा तो किया है लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डेथ्स है वो हम इंडिया के अंदर कम नहीं हो रही। 2018 का जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख लोग जो है अभी भारत के अंदर 2018 के अंदर रोड एक्सीडेंट के द्वारा उनकी डेथ हो गई। तो भारत के अंदर लगातार ये नंबर्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं और विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे क्रिएट हो रही है। उसके अलावा रिपोर्ट के अंदर जो है बताया गया है कि इंडिया माइट बी लॉसिंग मोर देन 2,99,000 पीपल ईच ईयर। ठीक है, हम बोलते हैं 1.5 लाख मरे लेकिन नहीं, WHO बोलता है कि नहीं 3 लाख के आसपास लोग जो है भारत के अंदर हर साल इसके अंदर मारे जाते हैं। मतलब उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं डेटा जो है वो हाइड करते हैं। जो भी हो, अगर डेटा हाइड करते हैं तो ये बड़ी बेकार बात है कि रोड सेफ्टी के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हमको ध्यान देना चाहिए। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भारत का बढ़ के 4.3 बिलियन इंक्रीज होके यहाँ पे हो गया है, और 26 अप्रैल का जो वीक खत्म हुआ उसके अंदर 4.368 बिलियन जो डेटा जो है फॉरेन रिजर्व हमारे पास में है। बेसिकली इस फॉरेन रिजर्व का उपयोग जो है हम कुछ विदेश से हमको इम्पोर्ट करना है या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसको मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। तो पिछले 4-5 सालों में आप देखोगे कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स जो है उसने यहाँ पे एक लेजर सिस्टम जो है वो यहाँ पर उसने मल्टीपल मिसाइल्स को गिराने के लिए एक लेजर सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर लिया है कि एक साथ कई सारी मिसाइल जो है उनको वहाँ पे वो गिरा सकता है। ये जो सिस्टम है इट्स कॉल्ड द शील्ड सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर शील्ड। ये वो एवेंजर वाला शील्ड नहीं है, ये ना इस पूरे प्रोजेक्ट का ही नाम शील्ड है जो US एयरफोर्स के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली हवा के अंदर जो है वो अलग अलग मिसाइल्स एक बार में लेजर के द्वारा बहुत सारी अलग अलग मिसाइल जो है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट गिरा सकता है। सरफेस टू एयर, एयर टू एयर जो है वो उसको लॉन्च करेगा और उसके बाद मिसाइल्स को गिराने का यहाँ पे काम करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्कवरी इसके अंदर की है। अगली खबर की बात करें तो भारत के फॉर्मर जो आपके बिलियर्ड प्लेयर है डेरेक सिपी, उनका जो है देहांत हो गया है। तो डेरेक सिपी जो है अभी एक समय पे 1780s के अंदर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, साथ ही भारत के बिलियर्ड टीम के कोच भी रहे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपके बिलियर्ड का इंडिया के अंदर उसको भी उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पे संभाला है। ही वॉज इंडियन टीम कोच एट द रिसेंटली अभी Under-21 जो ग्रुप था उसके अंदर स्नूकर के, और जो एशियन टूर्नामेंट है उसके अंदर भारत की टीम के कोच भी रहे, और जाने माने बिलियर्ड खिलाड़ी थे आपके डेरेक सिपी। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो वेस्ट इंडीज जो है उसने आयरलैंड के खिलाफ एक मैच के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, और रिकॉर्ड यहाँ पर यह है कि फर्स्ट विकेट के लिए, पहले विकेट के लिए 350 रन से ज्यादा का स्कोर पहली बार यहाँ पर हिट किया गया है, और 365 रन जो है फर्स्ट विकेट के यहाँ पे आयरलैंड के खिलाफ जो इनके प्लेयर थे जॉन कैम्पबेल और शाई होप इन्होंने बनाया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो था 304 रन का जो ODI क्रिकेट के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान के जो फजार मोहम्मद इमाम उल हक जो है इन दोनों प्लेयर्स ने बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में। तो छोटी छोटी टीम जिम्बाब्वे और आयरलैंड इनको लोगों की धुनाई करते हैं, कभी भारत के सामने आओ और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाओ,
तब देखेंगे। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो ईरान जो है उसने अपना जो अभी जो इशू चल रहा है ईरान और बाकी कंट्री यूएस के बीच में, कि जो उनके बीच में जेसीपीओ जो हुआ था, जो जॉइंट एक डिक्लेरेशन हुआ था 2015 के अंदर यूनाइटेड, जो जिसमें सभी कंट्रीज ने, मेन जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर ईरान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने उससे एग्जिट कर लिया था और ईरान के ऊपर नए सेंशंस, नए प्रतिबंध लगा दिए। तो अभी ईरान ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि वो भी जो है अभी यहाँ पे इस एग्रीमेंट से यहाँ पे पार्शल अपना जो विड्रॉल है विड्रॉल यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट इट्स कॉल्ड द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जेसीपीओए उसको कहा जाता है, जो 2015 के अंदर यहाँ पे साइन हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड की जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको डर था कि ईरान के पास यूरेनियम है और वो अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना रहा है, और उसके कारण उन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे कि जब तक वो कोई ऐसा समझौता नहीं कर लेता कि हाँ मैं न्यूक्लियर वेपन्स जो है या फिर आपके नाभिकीय हथियार जो है हम नहीं बनाएंगे। तो 2015 के अंदर यहाँ पे समझौता हुआ और उसके अंदर यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो यूरोपियन इनरिचमेंट है उसका वो उसको यहाँ पे कम करेगा, कम यूरोपियन जो अपना जो यूरेनियम है उसका एक्सट्रैक्शन करेगा, और करेगा तो उसका उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो शांति के उपयोग के लिए या फिर जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है उसके अंदर उपयोग यहाँ पे करेगा। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे यूरोप जो ईरान है उसके ऊपर यहाँ पे उसको सप्रेशन किया गया था कि वो अपना यूरेनियम और या हैवी वाटर के लिए उसका उपयोग नहीं करेगा, लेकिन अभी अभी उसने बोला है कि उसके ऊपर जो है इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट जो है वो खुद से ही यहाँ पर इस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया है। तो ईरान ने अभी यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि वो भी जो है अभी यहाँ पर इसकी सभी शर्तों को नहीं मानेगा, ठीक है। उसके अलावा चाइना ने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का जो यूनिलेटरल बाय जो उसका सेंक्शन है उसके ऊपर विरोध किया है, उन्हें बोला है कि इस तरीके से न्यूक्लियर डील से बाहर जाना जो है वो विश्व समुदाय के लिए ठीक नहीं और जो यूएस का जो स्टेप है वो सही नहीं है। उसके अलावा दूसरे देशों ने भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेप है उसका विरोध किया है। जेसीपीओ की बात करें तो यहाँ पर 2015 में साइन हुआ बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज। P5+1 मतलब जो है आपकी जो यूनाइटेड जो यूएन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड स्टेट और उसके अलावा जर्मनी को इन्होंने ऐड किया P5+1। इन सभी देशों ने मिलकर जो है ईरान के साथ में समझौता किया और उसके अंतर्गत यूरेनियम का जो उसका जो यूरेनियम स्टॉक है उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगाया कि वो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, साथ ही उसका खुद का जो एनरिचमेंट है उसका खुद का जो जो उसका उत्खनन करता है उसके अंदर कम कर देगा और उसके बदले यूनाइटेड नेशन और EU आपका यूरोपियन संघ जो है यूरोपियन यूनियन वो जो है वो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंधों को यहाँ पे समाप्त कर देगा। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट खुद भारत से बाहर आ चुका है तो अभी जो है वो ईरान भी अभी यहाँ से उसे एग्जिट करने का यहाँ पर उसने मन बना लिया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू। फ्रेंड्स दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमबीपीएससी, एसएससी, व्यापम, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट मेरा करंट अफेयर कोर्स मई 2019 डेली करंट अफेयर, जिसके अंदर हम